क्लास 7-6 का जो है साइंस का जो है एक सैंपल पेपर देखने वाले हैं। अब देखिए मैंने जो है 7 से 8 सैंपल पेपर करवाया है, ठीक है। आप चाहें तो जो है जा करके जो है सारे पेपर्स को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फुल मार्क्स है वो 80 मार्क्स का है और यहाँ पे ड्यूरेशन जो है 2.5 आवर्स है। आप जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले जो है फिल इन द ब्लैंक्स है सेक्शन ए में। सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स ब्रेथ थ्रू, ठीक है। ये जो डॉल्फिन्स होता है और ये जो व्हेल्स होता है वो किससे ब्रेथ करता है, ब्रीथिंग किससे करता है, तो वो आपको पता है उनके पास लंग्स होता है, ठीक है। आगे 1 मीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में जो है कितना मिलीमीटर होता है, तो आपको पता है 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है, 1000 मिलीमीटर। ऑल बॉडीज विच इमिट, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ऑल बॉडीज विच इमिट लाइट एनर्जी बाय देमसेल्व्स आर कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा बॉडी जिससे लाइट इमिट होता है, जैसे कि सन है, ठीक है, जैसे कि कोई बल्ब है, तो उससे जब लाइट इमिट होता है ना तो उसको हम लोग जो है ल्यूमिनियस, ठीक है, ल्यूमिनियस बॉडी कहते हैं, ल्यूमिनियस बॉडीज। आगे देखिए क्या है, द पाथ एलोंग, ठीक है, द पाथ एलोंग विच लाइट ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लाइट, जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करता है ये बोला जा रहा है। क्लियर, सपोज कीजिए कि इस डायरेक्शन में जो है एक रे चल रहा है, एक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, लाइट ट्रैवल्स इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, डिवाइसेज यूज टू ब्रेक अ सर्किट, ठीक है, कौन सा जो है, लेट सपोज कीजिए कि सर्किट में जो है कौन सा जो है करेंट को जो है ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है, तो आपको पता है वो फ्यूज होता है, ठीक है, फ्यूज को जो है, फ्यूज इज अ डिवाइस विच इज यूज टू ब्रेक अ सर्किट, है ना। क्या होता है कि ज़्यादा जो है करेंट आता है तो उसके कारण हीटिंग इफेक्ट से जो है वो फ्यूज जो है वो गल जाता है, ठीक है, डीकम्पोज हो जाता है और जो है वो क्या हो सकते हैं, सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल्स, ठीक है, बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक सेल के पास 2 टर्मिनल होता है, सही बात है। लेट सपोज कीजिए कि ये बैटरी है तो ऊपर जो है प्लस होता है और नीचे क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। आगे वन इज कॉल्ड, ठीक है, बोला जा रहा है वन इज कॉल्ड, ठीक है, तो ये जो प्लस वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, और ये जो निगेटिव वाला रहता है उसको, ये जो माइनस का साइन रहता है उसको निगेटिव बोलते हैं, तो वन इज कॉल्ड पॉजिटिव टिव, वाइल द अदर इज कॉल्ड निगेटिव, अदर को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, सेलर्स यूज, ठीक है, सेलर्स क्या यूज करते हैं, टू नो द डायरेक्शंस, ठीक है, समुद्र में जो है डायरेक्शंस को जानने के लिए सेलर्स जो है क्या यूज करते हैं, तो आपको पता है कि वो लोग जो है मैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है, सेलर्स यूज मैग्नेट्स टू नो द डायरेक्शंस, क्योंकि जो है मैग्नेट्स जो है हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ जो है इंडिकेट करता है, ठीक है। लैक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्स ऑफ रेन्स मेक काउज, ठीक है, रेन के जो है कमी से जो है वो क्या हो सकता है, तो देखिए रेन के कमी के कारण क्या होता है, ड्रॉट होता है, ठीक है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट बोला जा रहा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक एयर डिजॉल्व्ड इन द, ठीक है। अब देखिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उनको बोलते हैं जो पानी में रहता है, ठीक है, जैसे कि एक लेट सपोज कीजिए ये पॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ जो है लेट सपोज कीजिए कि ये फिश है, ठीक है, ये क्या है, फिश है, तो ये वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रहता है ना, लेट सपोज कीजिए कि ये वाटर है, तो इसके अंदर जो वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है, डिजॉल्व्ड वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन रहता है, वो घुला हुआ रहता है, ठीक है, उसमें, तो उसके अंदर का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो लेता है, तो किसके अंदर डिजॉल्व रहता है, तो यहाँ पे वाटर, फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है, वी प्रोड्यूस टन्स ऑफ वेस्ट और क्या, वेस्ट और प्लास्टिक्स, ठीक है, वेस्ट और प्लास्टिक्स एवरी डे, ठीक है, मतलब जो है टन से भी ज्यादा जो है एवरी डे जो है प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है और कचरा ढेर सारा, ठीक है, यही फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इसमें 11th क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है,
विच ऑफ दीज एडेप्टेशन इज नॉट सोन बाई अ कैमल फॉर लिविंग इन डेजर्ट, ठीक है, कौन सा इसका जो है एडेप्टेशन नहीं होता है। इट हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक, ये तो होता है। इट पासेज स्कैंटी ऑफ यूरिन, ये भी होता है। इट प्री स्पायर्स अ लॉट, द सोल ऑफ द फीट हैव सॉर्ट ऑफ पासेगमेंट। तो ये वाला जो है, ये सी जो है गलत होगा, ठीक है, ये सब सही है, ये सब जो है सही है। इसमें ये सही बोला जा रहा है कि हम्प रहता है, ठीक है, स्कैंटी ऑफ यूरिन रहता है, ठीक है, कम टॉयलेट करता है, और ये जो उसका फिट होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है और जो है लंबा होता है, ताकि डेजर्ट से जो है मतलब उसको धार नहीं लगे, हीट नहीं लगे। ये गलत है, इट प्रीस्पायर से लॉट, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है, द स्टेम ऑफ अ कैक्टस प्लांट इज फ्लेसी एंड स्वेलेड, ठीक है, बोला जा रहा है कि जो कैक्टस प्लांट होता है ना, उसका जो है जो स्टेम्स होता है वो काफ़ी फ्लेसी होता है, ठीक है, और उसमें वो काफ़ी मतलब ज़्यादा फुला हुआ रहता है, स्वेलन रहता है, तो उसका जो है फुला हुआ क्यों रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो ग्रीन रहता है, ठीक है, फुला होने का कारण कुछ अलग है, ठीक है। रिलीज वाटर, ये भी गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा, रिलीज वाटर भी नहीं। ये देखिए रिटेन वाटर, ठीक है, क्योंकि जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर स्टोर किए हुए रहता है, तो बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए, अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई हैज मोशन ऑफ द टाइप, किस टाइप का मोशन होता है, ठीक है, वो क्या लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर है, रैंडम है, पीरियोडिक है। पीरियोडिक कहने का मतलब जैसे पेंडुलम का होता है, एक बार आया फिर उसी पोजीशन पे चला आएगा, ठीक है। कर्वी लीनियर का मतलब एक कर्व पाथ में चलता है, रैंडम मतलब जिग जैग कैसे भी जा रहा है, किधर भी मुड़ रहा है, तो कैसा होता है, तो आपको पता है जो स्काई में काइट उड़ता है उसका जो है क्या होता है, रैंडम होता है, किधर भी जा सकता है जिग जैग में, ठीक है, जिधर उसको प्रे मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज वो होता है जिससे जो है लाइट इमिट नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, तो मून से लाइट इमिट नहीं होता है, ठीक है, मून से लाइट इमिट नहीं होता है, सन से होता है, बल्ब से होता है, बर्निंग कैंडल से होता है, ठीक है, मून जो है सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है सन का लाइट, ठीक है, तो मून वाला जो है सही आंसर हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू इट, ठीक है, इनमें से जो है किसमें से जो है इलेक्ट्रिक करेंट नहीं जा सकता है, ठीक है, तो आयरन रड से तो जा सकता है, ठीक है, कॉपर रड से भी जा सकता है, ब्रास, ठीक है, ब्रास से भी जा सकता है, ठीक है, ये बेकेलाइट रॉड से जो है नहीं जाता है, ए होगा आंसर। अब देखिए बोला जा रहा है, नेचुरली अक्रिंग स्टोन हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इज नोन एज, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते थे, जैसे कि लेट सपोज कीजिए कि ये स्टोन है, ठीक है, और ये नेचुरली है और इसमें जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग इसको मैग्नेटाइट बोलते थे या फिर आयोडोस्टोन बोलते थे, ठीक है, याद आ रहा है, मैग्नेटाइट या फिर आयोडोस्टोन। अब देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट्स इन, ठीक है, एकदम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को आप एक धागा में लटका दीजिएगा, ठीक है, तो जो है वो किस डायरेक्शन में जो है पॉइंट करता है, ठीक है, तो आपको पता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो है पॉइंट करता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, अब वैसे भी कंपास में भी नॉर्थ और साउथ ही डायरेक्शन में रहता है, ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इज कॉज्ड बाय फ्लड्स, ठीक है, फ्लड्स जो है वो किसके कारण होता है। अब देखिए अब बोला जा रहा है, अब देखिए पूछा जा रहा है कि आपसे क्या क्रैकिंग के कारण जो है फ्लड होता है, क्रैकिंग के कारण, नहीं तो देखिए इरोजन फ्लड के कारण जो है बोला जा, फ्लड के कारण जो है क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए फ्लड के कारण जो है सॉयल इरोजन होता है, आपको पता है सॉयल इरोजन होता है, इरोजन, ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच कंपोनेंट ऑफ एयर सपोर्ट्स बर्निंग, ठीक है, मतलब बर्निंग जो है कि एयर के किस कंपोनेंट के कारण होता है, तो आप सबको पता है ऑक्सीजन के कारण जो है बर्निंग होता है, ठीक है, ऑक्सीजन, ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बोला जा रहा है,
दिस इज द प्रोसेस बाय विच कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इज ब्रेकन डाउन इनटू सिंपल वंस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहता है ना, वो एकदम सिंपल बन जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, तो उसको हम लोग डीकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन सी आंसर करेक्ट है।